ग्रीटिंग्स, जय मां काली, जय काल भैरव, हरे कृष्णा। सो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं चार ऑब्जेक्ट। लगा तो हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ये है टैरो और ये तीन है ओरैकल, जिसमें से ये है टाइम रिलेटेड ओरैकल, ठीक है। तो ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक, ठीक है। तो चाहे आपकी राशि इस रीडिंग में आए ना आए, आप इस रीडिंग को पूरी तरीके से देख सकते हैं। सेकेंडली, टैरो एक टूल है गाइडेंस के लिए, तो हर एक के लिए जो गाइडेंस होगा वो अलग अलग होगा, ये आप ध्यान में रखिए। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, कुछ बातें नहीं कर सकती, ठीक है। सो जो बातें करती आपको उतनी ही लेनी है। तो इसी नोट के साथ करते हैं हम रीडिंग का आगाज, है ना। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। पहला कार्ड आ गया द लवर्स। ओके, सो जेमिनाई साइन यहाँ पे आ चुका है, काफी बढ़िया बात। दूसरा कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तीसरा कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो चलो विक्ट्री यहाँ पे हमें दिख रही है, काफी बढ़िया बात। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये आ गया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आ गया है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। तो एरीज, लियो, सैज का जो किंग है वो हमें यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वह एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, चलो अच्छी बात है। अगला कार्ड आ चुका है जो कि है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलो, एंड ये है द फूल। तो फूल की एनर्जी हमें सुबह के टाइम देखने को मिली, काफ़ी बढ़िया है बात। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सम अप करें इस रीडिंग को, तो कितने कार्ड हमें मिले हैं, है ना। टोटल 10 कार्ड मिले हैं। और अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे जो मेजर अरकाना है वो आ गया है, एक तो है द लवर्स, दूसरा है द फूल, ठीक है। सो दो मेजर अरकाना। एंड अगर हम नाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे एक आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और एक है एस। चलो करते रीडिंग की शुरुआत। भाई, जो सबसे पहला कार्ड मिला है द लवर्स, तो हाँ, ये पर्सन जो है वो सुबह सुबह बहुत ही मीठे से सपने से शायद जगने वाला है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हम बात करते हैं दिन भर या एटलीस्ट सुबह का जो प्रहर है, सुबह का जो समय है, उस टाइम उनके दिल दिमाग पे क्या छाने वाला है, तो ये है वो नतीजा। द लवर्स जो भी छाने वाला है वो है सिर्फ प्यार और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो प्यार है वो हमें किस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये आपके और ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं आपके दिल से, और ज़्यादा आपसे रूबरू होना चाहते हैं, आपके दिल के और ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक जितना समय हो सके आपके साथ बिताना चाहते हैं। तो आपसे मैसेज करना, फ़ोन पर बातें करना, प्लानिंग करना, ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में जो हमें दूसरा कार्ड मिला है इसके तुरंत बगल में, वो है एट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई काम का वक्त है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई चलो, मेरा फोकसिंग पूरा मेरे जॉब के ऊपर तो रहेगा, मेरे काम के ऊपर तो रहेगा, लेकिन मैंने आपको दिल से हटाया नहीं है, आप अभी भी वही हैं। एंड ये अगर दिन में जो भी काम करने वाले हैं, आप उनके ज़िंदगी का आज के दिन एक बहुत बड़ा हिस्सा बन के रहोगे, ठीक है। तो काम इसलिए कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी ये काम पूरा हो जाए और आपके लिए और ज़्यादा समय मिल जाए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स के, तो ये है एस ऑफ कप्स और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम बात करते हैं एस की, तो एक अच्छी बिगिनिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। मे बी अगर आपकी शुरुआत जो है रिश्ते की अभी हाल ही में हो गई है, या फिर अगर हम कहते हैं कि यू नो, ये आपकी तरफ एक और अच्छा मोमेंटम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ वो बहुत ही अच्छा फील करते हैं। और कितना अच्छा, यहाँ पे दो नाइट्स आ गए हैं, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आई थिंक आपके साथ वो काफ़ी सारे इमोशंस शेयर करते हैं, या फिर आप दोनों के जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। एंड मे बी सेम पाथ पे हो आप, मतलब मान लो अगर आप दुखी हो तो ये भी कहीं ना कहीं दुखी हैं, तो दोनों का जो ये टॉलरेंस है वो एक हो सकता है, या फिर अगर ये खुश है तो आप भी खुश हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप दोनों के इमोशंस मेल खाते हैं कि कितना परसेंट आप एग्जैक्टली इस चीज़ को फील करते हो, तो ये और ज़्यादा आपके करीब आता है। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो
जो पैशन है, जो पावर है, जज्बात जो है वो हावी हो जाते हैं। कितने हावी, आई थिंक दोनों के पास सेम रीज़न रहेगा, सेम परसेंटेज रहेंगे, और इसलिए पर्सन आपके और नज़दीक आना चाहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की, तो देखो यहाँ पे ये पर्सन को जो फीलिंग आती है ना कि मैं कंट्रोल में हूँ या फिर मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका जो दायित्व है वो आपके पास भी जाता है। अगर आप प्यार में इनका सपोर्ट करते हो या फिर इस रिश्ते में आप इनको सपोर्ट करते हो, तो इनके जीवन में कोई ऐसा बर्डन या बोझ नहीं रहता, तो ये पूरे खुले दिल से, खुले मन से जो है अपना काम कर सकते हैं, तो दिल में कोई भी स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं, तो डेफिनेटली इनकी सोच जो है वो और ज़्यादा बढ़िया आपको दिखेगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द फूल, तो देखो ये पर्सन जो है वो यानी या तो उसने अपनी कमिटमेंट आपको दी है या फिर नहीं दी है, लेकिन ये फूल की तरह ज़िंदगी जी रहा है। ठीक है, मतलब इसे कुछ सोचना नहीं है कि नेक्स्ट क्या होगा। मे बी आप उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो कि ये कई बार भी खाना खाते हैं या फिर रैश यू नो कई बार बातें बोलते हैं, गुस्से में आते हैं, या फिर कहीं ना कहीं यू नो हेलमेट नहीं पहनते, या फिर जो है लेट नाइट बाहर निकलते हैं, ऐसे अगर कुछ उनकी आदतें हैं तो शायद ये आपको थोड़ी सी सोच में डाल देंगी। लेकिन बाकी अगर हम इनकी बारे में बात करें, तो ये एक्चुअली अपना जो जीवन है वो बिना किसी रूल के जीना पसंद करते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं आपके रिश्ते के, तो यहाँ पे भी ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं करते, लेकिन आपकी तरफ से जितना भी इनको सपोर्ट मिलता है ये उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे कि हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे हैं सेवन ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है, और शायद वो आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता, या फिर उसके ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें आपको वो बताना नहीं चाहता, तो कोई ना कोई रीज़न उसके पीछे ज़रूर होगा, ये आप जान लीजिए। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर हम इसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो सोच रहा है कि भाई इस रिश्ते में तो इनकी जीत ही है, और अगर पूरे दिन की बात करें तो मे बी अपने किसी इंटरव्यू के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए उन्हें बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, तो इनकी हार तो वहाँ पे नहीं होने वाली। तो बेसिकली ये पर्सन जो है वो फुल ऑन प्रिपेयर्ड है। ठीक है, एंड मॉर्निंग का समय है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा आपकी याद उनको सता रही है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो टाइम फ्रेम है वो एग्जैक्टली हमें क्या कहती है, या फिर हम इस टाइम फ्रेम से क्या समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे है विंटर टाइम, यानी कि भी कुछ ऐसा चल रहा है उनके दिल और दिमाग में कि जो विंटर टाइम है, ठीक है, यानी कि सर्दियाँ जब आएंगी तो कुछ होगा, फिर कुछ उन्होंने प्लान किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो यह सुन मतलब बहुत जल्द, लेकिन ये जल्द कब होगा वो इनके लिए शायद अलग अलग जवाब हो सकते हैं। यहाँ पे है स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट, किसी बात को लेके थोड़े से ऑब्सेसिव हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप भी कुछ समझ सकते हैं। टाइम टू टेक एक्शन एंड स्टॉप वेटिंग, तो कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्होंने तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको टालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें जो है छोटी छोटी हो सकती हैं। यू कैन मेक इट हैपन क्विकर, तो मे बी अगर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं या फिर इस काइंड ऑफ प्रपोजिंग, तो ये बहुत जल्द वो चीज़ कर सकते हैं जो इनके लिए आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगी। विद इन अ कपल ऑफ डेज, तो शायद कुछ आने वाले दिनों में ये ऐसी कुछ चीज़ कर सकते हैं कि आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। ठीक है, तो इनका टाइम टेबल जो है वो आपके लिए बदल सकता है। इट्स नॉट द राइट टाइम येट, क्यों ऐसा, बिकॉज अभी उनके लिए एक सही समय नहीं आ गया है। तो कब आएगा, सैटरडे, शायद एक समय ऐसा हो सकता है जब ये कोई एक स्पेसिफिक बात के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन कंसिडर सैटरडे, शनिवार का दिन, कुछ या तो अभी इस शनिवार को कुछ हुआ है और मे बी आप अगले शनिवार का वेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें, तो ये है 11 पोर्टल, यहाँ पे आ गया है इंटरनल बैलेंस एंड कंप्लीट कंट्रोल। तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन जो है वो कंप्लीट कंट्रोल देखते हैं इस रिश्ते में, मतलब ये भी खुश है, आप भी खुश है, एक अच्छी बात। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है 11 हाइटेंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ठीक है, मतलब जो इनकी सोच है ना आपके प्रति वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जो इस रिश्ते के बारे में इनकी सोच है वो और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम हो रही है, या फिर कितना आपके साथ कनेक्ट होने के बाद ये अपने दिल को फ्री महसूस करते हैं, कोई बंधन नहीं। मतलब मान लो जैसे कि आप जन्म जन्म के साथी हो, ये जो उनकी सोच है ना कि जो इनके दिल को और ज़्यादा साफ बनाती है, और ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। स्पीक योर माइंड, तो अपना जो मन है वो डायरेक्टली आपके सामने बिना किसी
हिचकिचाहट से आपके सामने रख सकते हैं। ऑल आइज ऑन यू, आपके बारे में सोच रहे हैं एंड जितना भी समय हो रहा है मे बी आपको जल्द मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, हम ऐसा देख सकते हैं। दिस सिचुएशन इज़ टेम्प्ररी, किसी बात को लेके अगर आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों है तो वो सिचुएशन बस टेम्प्ररी है, ये आप ध्यान में रखें। तो अगर उसके कोई साइड इफेक्ट है ना वो भी चले जाएंगे। वर्क टुगेदर टू क्रिएट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन कह रहे हैं कि भाई हम दोनों को साथ में आके काम करना होगा, तब जाके हम कह सकते कि हाँ भाई हमने एक अच्छा बदलाव लाया है। शट द डोर, नेवर लुक बैक, ठीक है। तो जो नेगेटिविटी है उसको बंद कर दो, ज़िंदगी में उसको वापस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, यही उनका कहना है। अब अगर हम देखते हैं ओरेकल को तो ये है भाई, रिलीज़ गिल्ट, ठीक है, लेट गो ऑफ दोज हैवी बर्डन्स एंड अलाउ योर सेल्फ टू बी फॉरगिवन। तो जो गिल्ट है ना उसे छोड़ना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मे भी थोड़ा सा भी 2% भी गिल्ट उन्होंने अपने दिल में रखा है तो उसे जाने देना है। देखो हर बात आप मतलब कंप्लीट नहीं कर सकते, हर बात के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, ठीक है। कुछ बातें नेचुरल होती हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कार्ड है रिलीज अटैचमेंट, ओके, लेट गो ऑफ ऑल अटैचमेंट सो दैट यू कैन स्टेप इनटू एक्सेप्टेंस। तो किसी बात ने अगर इनके दिल को परेशान कर रखा था तो उसको ये आई थिंक रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें आप भी इनको सपोर्ट कर सकते हो। शायद ये उनका एक्स हो सकता है या फिर कोई पुराना वर्क, पुराना साथी, कोई दोस्त, तो अगर उनके बारे में इनकी सोच जो है वो और ज़्यादा इनको तकलीफ दे रही, तो ऐसे व्यक्ति को भूल जाना, ऐसे व्यक्ति को छोड़ के आगे बढ़ना इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। जो कार्ड है यहाँ पे वो है रिलीज प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो कई बार हम कहते हैं कि भाई ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है, ये सोच बदलनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फिर हम कहते हैं कि भाई मान लो हम ही समय का पहिया घुमाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। रिलीज इनसिक्योरिटी, तो जो इनको है कि मे बी अगर हमने आपसे बात की तो आप किस तरह से बात करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा या फिर आप गुस्सा होगे, देखो ये उनको नहीं पता, लेकिन बस उनकी सोच है जो इनको तकलीफ दे रही है। फाइनल जो कार्ड है रिलीज स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस रिलीज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं ना जो इनको स्ट्रेस दिलाती, ऐसे जो भी टॉपिक है इनको भूलना ही इनके लिए प्रायोरिटी बन जाएगी। सो ये था अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।